हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ला लीगा लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से बार्सिलोना और गेटाफे के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। और गाइस बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइस जो कौन से प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफ़ी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी स्मॉल लीग टीम में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना सकते हो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और प्लेयर का कंप्लीट रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले नजर डालते हैं इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस। तो गाइस इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 5 हेड टू हेड मैच हुए, जिनमें से बार्सिलोना 4 मैच विन किए हैं और 1 मैच लॉस किया है। और अटैकिंग वाइज बार्सिलोना इस टीम के सामने 2.2 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखती है और डिफेंसिव वाइज 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करती है। तो गाइस बार्सिलोना जब इस टीम के सामने खेलती है तो अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम 2 या 3 गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, प्रत्येक 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल कंसीड करती है इस टीम के सामने। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ, तो उस मैच को बार्सिलोना 5-2 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज बार्सिलोना टीम तरफ काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, लेकिन डिफेंस वाइज 2 गोल कंसीड भी किए। लेकिन उससे पिछले मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच हुआ, उस मैच को भी यहां से गेटाफे 1-0 से विन कर गए और बार्सिलोना ने उस मैच को 1-0 से लॉस किया। लेकिन उससे पिछले मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच हुआ, उस मैच को भी यहां से बार्सिलोना 2-1 से विन कर गए। बार्सिलोना इस टीम के सामने अटैकिंग वाइज 2 गोल किए, लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम के सामने अगेन गोल कंसीड किया। लेकिन उससे पिछले मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में अगेन हुआ और दोनों मैच यहां से बार्सिलोना 2-0 से मैच को विन किए। तो गाइस रिसेंटली अगर 3 मैच देखा जाए तो गेटाफे ने इस टीम के सामने प्रत्येक मैच में 1 न 1 गोल किया है और डिफेंसिव वाइज प्रत्येक मैच में या 2 या 3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड भी किया है। तो गाइस हेड टू हेड में तो क्लियर कट फेवरेट टीम एक बार्सिलोना देखने को मिलती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज इस टीम के सामने कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में गोल कंसीड कर देती है। तो गाइस अब बात करते हैं इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग फिलहाल के टाइम पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं बार्सिलोना का जो रिसेंट फॉर्म है उसके बारे में। तो गाइस बार्सिलोना रिसेंटली 6 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से 4 मैच विन, 1 मैच ड्रॉ और 1 मैच इस टीम ने लॉस भी किया है। अटैकिंग वाइज 2.5 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंसिव वाइज 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो गाइस बार्सिलोना फिलहाल के टाइम पे प्रत्येक मैच में कम से कम 2 या 3 गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में 1 गोल कंसीड कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच एफसी बार्सिलोना 1-1 से मैच को ड्रॉ खेलकर आ रही है एथलेटिक बिलबाओ के सामने, उससे पिछले मुकाबले ये टीम रियल सोसिडेड के सामने ये टीम 4-2 से विन कर आ रही है, उससे पिछले मुकाबले 3-0 से विन, उससे पिछले मुकाबले ये टीम 2-1 से लॉस किया, फिर यहां से 3-0 से विन और उससे पिछले मुकाबले अगेन इस टीम ने 3-1 से विन किया। तो गाइस इस टीम का जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम 3 गोल पर मैच स्कोर करती है और डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में 1 गोल कंसीड भी कर देती है। तो अटैकिंग वाइज और डिफेंसिव वाइज काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है बार्सिलोना की ओर से। अब गाइस बात करें गेटाफे का जो रिसेंट फॉर्म फिलहाल के टाइम पर कैसा परफॉर्मेंस है, तो गाइस बार्सिलोना मतलब गेटाफे ने रिसेंटली 6 मैच खेले जिनमें से 3 मैच विन, 1 मैच ड्रॉ, 2 मैच इस टीम ने लॉस भी किए हैं। अटैकिंग वाइज 0.5, मतलब ये टीम प्रत्येक 2 मैच में सिर्फ 1 ही गोल करती है, वो भी हल्की टीम के सामने, एक बेहतर टीम के सामने ये टीम जल्दी से गोल भी नहीं कर पाती। लेकिन डिफेंसिव वाइज 0.3, मतलब इस टीम का जो डिफेंसिव वाइज परफॉर्मेंस है ना वो काफी हैरान बढ़ा है, क्योंकि 0.3 का मतलब ये टीम ने सिर्फ पिछले 5-6 मैच में 1 या 2 ही गोल कंसीड किए, वरना डिफेंसिव वाइज अच्छा परफॉर्मेंस रखा है। अब बात करें जो पिछला मैच गेटाफे सेविल्ला के सामने 1-0 से लॉस करके आ रही है, सेविल्ला जो कि डिफेंसिव वाइज टीम है, लेकिन उस टीम के सामने इस टीम ने 1 ही गोल कंसीड किया, अटैकिंग वाइज गोल नहीं कर पाई, लेकिन उससे पिछले मुकाबले वैलेंसिया के सामने ये टीम 1-0 से लॉस करके आ रही है। तो गाइस पिछले 2 मैच से क्या चीज़ देखने को मिलती है इस टीम की ओर से कि डिफेंसिव वाइज ये टीम इतना गंदा परफॉर्मेंस नहीं कर रही जितना हमने या इसका हेड टू हेड और रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा है। तो गाइस डिफेंसिव वाइज अच्छा परफॉर्मेंस मान सकते हो, क्योंकि बॉटम टीम रहती है और इस टीम ने सिर्फ पिछले 2 मैच में 2 ही गोल कंसीड किए, लेकिन उससे पिछले मुकाबले ये टीम 2-0 से विन कर रही ब्राइटन के सामने, उससे पिछले मुकाबले 0-0 से मैच को ड्रॉ खेला, बाद में ये टीम 6-5 से पेनल्टी में विन कर गई, उससे पिछले मुकाबले एक और मैच इस टीम ने 0-0 से मैच को ड्रॉ खेला और उससे पिछले मुकाबले 1-0 से इस टीम ने अगेन मैच को विन किया। तो गाइस इस टीम का जो परफॉर्मेंस है डिफेंसिव वाइज भी काफी बेहतर
बेहतरीन है, लेकिन अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में गोल नहीं कर पाती। तो इस टीम का जो परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज है वो काफ़ी डाउन है और डिफेंस वाइज काफ़ी अप देखने को मिलता है। तो गाइज बात आती है इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है हमारी सिंबॉलिक टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो गाइज सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों को रिसेंट फॉर्म पर नजर डाली। तो गाइज इन दोनों चीज़ों को एक साथ मद्देनजर रखते हुए इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। तो गाइज हेड टू हेड में तो बार्सिलोना जब इस टीम के सामने खेलते तो अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम दो या तीन गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन डिफेंस वाइज कहने के प्रत्येक मैच में गोल कंसीड भी कर देती है। लेकिन जो रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बार्सिलोना इस फिलहाल के टाइम पे प्रत्येक मैच में दो या तीन गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन डिफेंस वाइज कहने के प्रत्येक मैच में एक गोल कंसीड भी कर देती है। लेकिन अगर गेटाफे का रीसेंट फॉर्म देखा जाए तो प्रत्येक मैच में गोल नहीं करती, बल्कि डिफेंसिव है, जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, एक बेहतर टीम के सामने पर मैच में एक गोल कंसीड करती है। तो गाइज इन तीनों चीज़ों को एक साथ मद्देनजर रखते हुए इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन मुझे लगता है कि बार्सिलोना इस मैच में भी अगेन तीन गोल करना चाहिए और डिफेंसिव है इस टीम के सामने गोल कंसीड नहीं करना चाहिए। तो 3-0 के प्रेडिक्शन के अनुसार हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम बनाएंगे ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले बात करते हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो एक बार नजर डालते हैं एफसी बार्सिलोना के प्लेयर्स के बारे में, फिर गाइस बात करेंगे गेटाफे के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं बार्सिलोना के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन में आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज, काफ़ी कम समय में इतनी ज़्यादा नॉलेज आपको इस वीडियो में हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो इसका लिंक हमने आपको टेलीग्राम चैनल का सबसे ऊपर वाले कमेंट में दिया हुआ, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नजर डालते हैं बार्सिलोना के प्लेयर्स के। गाइज बार्सिलोना टीम तरफ प्रीवियस सीजन जो हाईएस्ट गोल टेकर लियोनल मेसी जो कि फिलहाल टाइम पर ये खेलेंगे नहीं, ये चला गया है पीएसजी, तो उस कंडीशन में आप इसको इग्नोर करना। वहीं पर बात करें एंटोनी ग्रीजमान जो कि इस टीम तरफ से 13 गोल कर चुका है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, परफॉर्मेंस इस टीम की तरफ से काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है इसका। वहीं पर बात करें डेम्बेले, ये किसका खेलने का काफ़ी चम चांस है, और यहाँ से अंशु फाती 4 गोल कर चुका है, तो इंपॉर्टेंट होगा लेकिन ये खेलेगा नहीं। वहीं पर बात करें ट्रिंकाओ जिसने 3 गोल किए, और यहाँ से जोर्डी अल्वा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, और यहाँ से फ्रांकी डिजोंग ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, डिफेंसिव पॉइंट भी देगा। बाकी का आप सामने सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मार्टिन ब्रेथवेट ये सब प्लेयर है हिट एंड मिस टाइप का, कभी गोल करता है तो हिट सीधा हैट्रिक में करता है, और जब नहीं करता तो एक तरफा लॉस करा देता है। तो उस कंडीशन में आपकी चॉइस रहेगी आप इसको पिक करते हो नहीं करते हो, लेकिन डिफेंसिव वाइज टीम गेटाफे भी अच्छी फिलहाल के टाइम पर, क्या उस टीम के सामने गोल कर पाएगा नहीं वो देखने वाली बात रही। सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी हाई है बंदेगा, लेकिन प्रीवियस सीजन इसका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा, लेकिन एक मैच में इसने 2 गोल किए फिलहाल टाइम पर, तो परफॉर्मेंस अच्छा है। अब बात करते हैं असिस्ट मामले इस टीम तरफ कौन से प्लेयर निकल कर आए, तो एक बार नजर डालते हैं। तो गाइस असिस्ट मामले इस टीम तरफ से मेसी जो कि खेलेगा ना इसको आप इग्नोर ही करना, और यहां से एंटोनी ग्रीजमान जो कि 7 असिस्ट, जोर्डी अल्बा 5 असिस्ट, और यहाँ सर्जियो बास्क्यूट जिसने 5 असिस्ट, और यहाँ से फ्रैंकी डिजोंग जिसने 4 असिस्ट। तो गाइज टॉप 4 आपके लिए अपनी टीम में पिक करके चलना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस इनका अटैकिंग वाइज भी रहता है और डिफेंसिव वाइज भी आपको पॉइंट दे के जाएंगे। बाकी का सभी प्लेयर्स का आपके सामने रिकॉर्ड है आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मार्टिन ब्रेथवेट प्रीवियस सीजन इसको कम टाइम मिला था, लेकिन परफॉर्मेंस तब भी इसका डाउन ही था, लेकिन फिलहाल के टाइम पर काफ़ी अप है, क्योंकि इसका जो इसकी पोजिशन फिलहाल टाइम पर अटैकिंग रही है, इसलिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है टॉप 4 को आप अपनी टीम में पिक करके चलना चाहिए। अब बात करते हैं गेटाफे टीम तरफ से कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंट प्रीवियस सीजन में गोल किए थे उनके बारे में, तो एक बार नजर डाल। तो गाइस गेटाफे टीम तरफ प्रीवियस सीजन जो हाईएस्ट गोल टेकर थे जेमी माटा, जिसने काफ़ी कम ज़्यादा मैच खेले, काफ़ी ज़्यादा मैच खेले और काफ़ी कम गोल इसकी तरफ से देखने को मिले, तो आपकी चॉइस रहेगी आप इसको पिक करते हो नहीं करते, लेकिन प्रीवियस मैच में ये बेंच से स्टार्ट किया था तो उस कंडीशन में आप इग्नोर ही करना। वहीं पर बात करें एंजेल रोड्रिगो जिसने 5 गोल किया था, और यहाँ से उनाल जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको डिफेंसिव पॉइंट भी देगा और असिस्ट पोटेंशियल भी रखता है और गोल भी कभी कभी कर देता है। कुकरेला एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा आरंबारी जो कि आपके लिए डिफेंसिव पॉइंट देने की क्षमता रखता है, और यहाँ से अलेना भी एक ऐसा ही प्लेयर जो आपके लिए डिफेंसिव पॉइंट देने की क्षमता रखता है। बाकी का सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो यहां से इंपॉर्टेंट प्लेयर है टॉप 6 को हमने अपने ड्रीम इलेवन टीम में पिक करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं असिस्ट मामले में इस टीम तरफ कौन से प्लेयर निकल कर आए, तो एक बार नजर डाल। तो गाइस असिस्ट मामले में इस टीम तरफ से हर्नांडी जिसने गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है, इनेस उनाल जिसने 2 असिस्ट किए और 4 गोल भी किए, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। कुकरेला जो कि असिस्ट पोटेंशियल रखता है और आपके लिए डिफेंसिव पॉइंट भी देने की क्षमता रखता है। बाकी का आपके सामने सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहने वाला इस मैच में जो हमारी सिंबॉलिक टीम है ड्रीम इलेवन पर। तो नजर डालते हैं 3-0 के प्रेडिक्शन के अनुसार ड्रीम इलेवन की टीम पर।
तो गाइस फिलहाल के लिए ये टीम है जिसमें डीपे को कैप्टन रखा क्योंकि परफॉर्मेंस इसका काफ़ी बेहतरीन रहता अटैकिंग वाइज। और वहीं पर बात करें एंटोनी ग्रीजमान, इसका हमने रिकॉर्ड देखा तो परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता है और वैसे भी एक आज हल्की टीम है उसके सामने गोल आ सकता है, तो उस कंडीशन में हमने कैप्टन वाइस कैप्टन इन दो को रख के चले। ब्रेथवेट आपकी चॉइस रहेगी, आपको कैप्टन बनाना है नहीं बनाना, लेकिन मेरा तो ये सजेशन रहेगा आप इसे इग्नोर भी करके चल सकते हो। फ्रेंक डीजोंग जो डिफेंसिव पॉइंट भी देता और गोल असिस्ट करने का चांस भी रखता है, तो उस कंडीशन में आप इन्हें आप पिक करके चल लेना। बाकी का आप शाम सभी प्लेयर्स का रिकॉर्ड भी है, आपने स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे, उसी रिकॉर्ड के अनुसार अपनी खुद की एक बेहतर टीम भी बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। होप्स आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। काफ़ी कम समय में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देने की हमारी हमेशा कोशिश रहती है। थैंक यू वेरी मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए।